हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यूज एंड ओनली न्यूज़। तो फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली एक वीडियो मतलब वायरल हो रहा है, मेरे व्हाट्सएप पे भी आया है, बट अनफॉर्चुनेटली आई कैनॉट शेयर यू दैट पर्टिकुलर वीडियो। मतलब जहाँ पे दिखाया गया है कि मतलब अराउंड 5-6 पीपल, मतलब 5-6 लड़के जो है वो लोग मतलब अब्यूज़ कर रहे हैं एक लड़की को। नॉट ओनली अब्यूज़ बट इट वॉज सम काइंड ऑफ मोर देन रेप। तो ये जो वीडियो है अभी बहुत वायरल हो रहा है, एंड मतलब बहुत ज़्यादा कुछ गलत ही दिखाया है वहाँ पे। एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मतलब उन लोगों को भी अच्छा नहीं लगा वो वीडियो देख के, एंड दे वेर टेलिंग मी कि मतलब इसके बारे में कुछ वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा कि अब उसमें बना ही क्या सकते हैं मतलब, बट स्टिल आई वाज लाइक काइंड ऑफ फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर न्यूज़। मैं न्यूज़ मतलब न्यूज़ पोर्टल खोल के देख रहा था, तो इतने में ही मेरे को एक ट्वीट मिला फ्रॉम असम पुलिस। तो असम पुलिस ने अभी एक ट्वीट किया हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया उन लोगों ने, जहाँ पे वो लोग ये कह रहे हैं कि मतलब जो उन लोगों ने तो इमेजेस करके बोला है, आई गेस ये वीडियो उन लोगों के पास भी पहुँचा होगा, जहाँ पे वो लोग ये कह रहे हैं कि दिस इमेजेस आर ऑफ 5 कल्प्रिट्स हु आर सीन ब्रूटली टॉर्चरिंग एंड वायलेटिंग ए यंग गर्ल इन ए वायरल वीडियो। द टाइम और प्लेस ऑफ दिस इंसिडेंट इज नॉट क्लियर। Anyone with information regarding this crime or the criminals may please contact us. They will be rewarded handsomely. तो इन लोगों ने जैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी ट्वीट करते हुए, तो हाँ, तो वही मैं अभी यही बोलना चाहूँगा कि इसका मैं इमेज जो है ये दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो मतलब इमेज देख के शायद मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि कौन सा वीडियो है। तो इस वीडियो के बारे में अगर आप लोगों के पास किसी के भी पास ये इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज़ मतलब आप लोग देख लीजिए कैसे क्या शेयर करना है। मतलब असम पुलिस ने ट्वीट किया, तो वहाँ पे भी आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। मतलब इट इज़ नॉट अबाउट, जैसे उन लोगों ने कहा है कि दे विल बी रिवॉर्डेड हैंडसमली, इसके पीछे मत जाइए। बस ये जाइए, मतलब ये सोचिए कि एक नारी के ऊपर अत्याचार हुआ है, तो ये कितना गलत बात है। मतलब है ना, हमारे इंडिया में जैसे पहले भी ऐसे निर्भया केस हुआ है और ऐसे बहुत टाइप के केसेस होते रहते हैं। सो वी मस्ट ट्राई टू स्टॉप ऑल दिस यू नो ब्रूटलिटी और दी मतलब क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो ये जो है मुझे बहुत बुरा लगा ये वीडियो देख के। मैंने थोड़ा सा ही देखा था एक क्लिप्स, तो इसमें जैसे अभी बाकी जो न्यूज़ है मतलब जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ है वो लोग इतने उससे कवर नहीं कर रहे। सो आई थॉट कि मतलब इस चीज़ को अगर मैं यूट्यूब में डाल दूँ तो कैसा रहेगा। तो वही है। सो फ्रेंड्स, मतलब अगर इस वीडियो के बारे में आप लोगों के पास किसी के भी पास अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, तो प्लीज़ हेल्प द गवर्नमेंट टू पनिश दिस क्रिमिनल्स। और यहाँ पे एंड टू हेल्प यू फर्दर गाइज, मैंने जो असम पुलिस का ट्विटर लिंक है वो दे दिया है, एंड बाकी जो भी हेल्पलाइन नंबर है मतलब असम पुलिस के जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग हेल्प कर सकते हैं इस तरीके से। एंड फ्रेंड्स, मैं एक ह्यूमन राइट्स वाले का भी लिंक भेज रहा हूँ, तो आप लोग शायद वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी तरीके से मतलब अगर इस चीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में आप लोगों को किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन, कुछ भी इंफॉर्मेशन, तो प्लीज़ हेल्प दिस लेडी टू गेट जस्टिस। अब कहाँ का वीडियो है, क्या वीडियो है, वो अभी तक क्लियर ही नहीं है। मतलब किसी को भी क्लियर नहीं है, पुलिस को भी क्लियर नहीं है, इवन द पुलिस आर नॉट श्योर। मतलब ये कहाँ से ये वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट इट इज़ गेटिंग पॉपुलर इन माई स्टेट असम में, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। एंड मतलब बहुत ही डिस्गस्टिंग वीडियो है गाइस, बहुत ही डिस्गस्टिंग वीडियो है। सो प्लीज़ इस वीडियो के बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा।